संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 15,000 के इनामी बदमाश अकरम को गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक सिपाही भी बदमाशों की गोली से घायल हुआ है। मुठभेड़ का ताजा मामला बहजोई थाना इलाके में बहजोई रजपुरा रोड का है, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश अकरम को गोली लगी है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अकरम संभल के नखासा थाना में गैंगस्टर में वांछित और 15,000 का इनामी है। मुठभेड़ में एक कांस्टेबल आयुष भी बदमाशों की गोली से घायल हुआ है, जबकि बदमाश का एक साथी इस दौरान भागने में कामयाब रहा। इसी दौरान एक अपराधी की सूचना मिली, जिसकी बहजोई थाना अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ घेराबंदी किया बहजोई रजपुरा रोड पे। वहाँ पे एक अपराधी ने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा कांस्टेबल आयुष घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ, दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। अपराधी के बारे में पता किया गया तो ये गैंगस्टर एक का वांछित अपराधी अकरम थाना नखासा से वांछित है। 15,000 का इनामी अपराधी है। ये असमोली का रहने वाला है, लगातार इस क्षेत्र में अपराध कर रहा था और अब ये पकड़ा गया है। इसके बारे में जो प्रथम दृष्टया अपराधी के इतिहास पता चला है, वो लगभग एक दर्जन अपराधी के इतिहास है असमोली, अमरोहा और संभल में। अब इसको हॉस्पिटल भेजा गया है, बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है।